हेलो नमस्ते, दिस इज रविशंकर कुमार फ्रॉम जमशेदपुर, आई एम ए योगा इंस्ट्रक्टर। आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं लीवर के ऊपर में, कि लीवर में सूजन और स्टिफनेस क्यों आ जाता है, उसका साइज क्यों बढ़ जाता है। तो सबसे पहले लीवर में सूजन के क्या क्या कारण हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लीवर में सूजन का कारण क्या है कि गलत खान पान। अगर आप गलत खान पान कर रहे हैं तो इसका कारण है कि आपका लीवर में सूजन आएगा। दूसरा कारण है भोजन को बिना अच्छी तरह चबा कर नहीं खा रहे, आप निगल जा रहे हैं। दूसरा कारण ये है, तो भोजन जब भी कर रहे हैं तो आप आराम से उसको धीरे धीरे चबा कर खाइए, ठीक है। तीसरा कारण है अधिक मात्रा में तली हुई खाना, जैसे डीप फ्राई वाला खाना, बहुत तली खाना ना खाएँ, बाहर का खाना ना खाएँ, बहुत मिर्ची वाला खाना ना खाएँ, ये कारण है। नेक्स्ट जो है मिर्च मसाला चटपटी खाना ज़्यादा यूज नहीं करना है। रात्रि में भोजन के बाद अधिक देर तक आपको काम नहीं करना है, जैसे रात्रि में भोजन कर लेते हैं और लैपटॉप में चाहे मोबाइल में चाहे टीवी देख रहे हैं, सोना बहुत ज़रूरी। खाना खाएं 15-20 कदम, आप 15-10 मिनट चल 10 से 15 मिनट आप टहल लीजिए, उसके बाद आप चलिए, ठीक है, उसके बाद आप सो जाइए। नेक्स्ट जो है लीवर में सूजन के अन्य क्या क्या कारण है, इसका अन्य कारण है वायरल इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस बी एंड सी इसका कारण है। शराब, जो लोग शराब का ज़्यादा यूज़ करते हैं उनका भी कारण है, तो शराब ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए। आयरन एंड कॉपर हाई लेवल इन योर बॉडी, आयरन और कॉपर की मात्रा आपके बॉडी में अधिक बढ़ जाता है, इसका भी एक कारण है। नेक्स्ट जो है कैंसर, कैंसर होने से भी लीवर में सूजन और ये जो है आपका ये भी एक कारण है। नेक्स्ट जो है लीवर का हमारे शरीर में क्या क्या काम होता है, लीवर का हमारे शरीर में क्या क्या काम होता है, तो पित्त रस बाइल जूस उत्पादन जो पाचन में मदद करता है, वसा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म पाचन शक्ति में बढ़ाता है, ये काम है लीवर का। नेक्स्ट जो है हानिकारक, हमारे शरीर में हानिकारक रसायनों विषाक्त पदार्थ को छानता है और बाहर निकालता है, ये लीवर का काम है। अब लीवर में सूजन के 10 लक्षण, आप कैसे पता करेंगे कि लीवर में हमारा सूजन आ गया, तो इसका लक्षण क्या क्या है, पेट में दर्द, थकान, उल्टी आना, खट्टी ढकार आना, त्वचा का पीला और आँखों में सफ़ेद होना जिसको हम लोग पीलिया बोलते हैं, भूख में कमी आना, पैरों या टखनों में सूजन, वजन घटना, शरीर का बॉडी वेट घटेगा, त्वचा में खुजलाहट आएगा, ठीक है। तो ये आपका 10 लक्षण है लीवर का फैटी लीवर का और लीवर में सूजन का, ठीक है। अब आ जाइए लीवर में सूजन बार बार होने पर कौन कौन सा जाँच कराना चाहिए आपको, तो सबसे पहले आप जांच कराइए अल्ट्रासाउंड पूरे पेट का, तो मालूम चल जाएगा। नेक्स्ट टेस्ट कराइए आप ब्लड टेस्ट, CBC, ECR, नेक्स्ट जो है और LFT लीवर फंक्शन टेस्ट, ठीक है, LFT जिसको बोलते हैं। फोर्थ टेस्ट है HBSAG, ठीक है। पांचवा जो टेस्ट है ANCA, इससे भी पता चल जाएगा आपको। और नेक्स्ट जो है MRI CT scan, इससे पता चल जाएगा आपका लीवर फैटी है या सूजन है कि नहीं। अब आ जाइए लीवर में, नेक्स्ट पॉइंट जो है लीवर में सूजन को कैसे रोकथाम कर सकते हैं, रोकथाम करने का क्या क्या हम लोग कर सकते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले है कि स्वस्थ आहार लें, जो भी खाना है स्वस्थ आहार लें, दवाएँ विटामिन लेते समय निर्देशों का पालन करें, कब लेना चाहिए कब नहीं लेना चाहिए, स्वस्थ वजन बनाए रखें, आपका जो हाइट के अनुसार आपका जो बॉडी वेट होना चाहिए उसको मेंटेन रखिए, हेल्थ और सप्लीमेंट का प्रयोग सावधानी से करें। बहुत से लोग जो सप्लीमेंट यूज करते हैं, कब लेना चाहिए कितना मात्रा में लेना चाहिए इस पर ध्यान रखिए, तो ये सब चीज़ है जिससे हम लोग लीवर को सूजन से रोकथाम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, आप लीवर, अगर आपका सूजन हो गया है, फटी हुई लीवर हो गया है, तो क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, इस बहुत डिपेंड करता है। तो क्या खाना चाहिए, तो अगर आप मॉर्निंग में आप जब उठ रहे हैं तो मॉर्निंग में आप गर्म पानी के साथ में नींबू आप ले लीजिए, उसको पी लीजिए,
उसके बाद में योगा करने के बाद में ब्रेकफास्ट का टाइम में चुकंदर का जूस लीजिए, बहुत अच्छा है। दालचीनी का गर्म पानी में दालचीनी को उबाल लीजिए, वो पीजिए चाय की तरह। नींबू आप यूज कीजिए, अदरक का चाय यूज कीजिए, अदरक को डाल दीजिए, छील दीजिए गर्म पानी में और उसको उबाल के वो पीजिए, वो आपका बेनिफिट होगा। फिर लहसुन अभी आप खा सकते हैं, आप लहसुन का जो कलियां हैं दो पीस खा लीजिए मॉर्निंग टाइम में खाली पेट में, अच्छा है। जो लोग चाय के आदी हैं, जो दूध वाले चाय पीते हैं, उनको ये चाय अवॉइड करना है। आपको चाय लेना है तो ग्रीन टी यूज कीजिए, ये आपके लिए लीवर के लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट जो है, खाने के साथ में आप दही यूज कीजिए 250 से 300 ग्राम, ये मात्रा है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है ना कम लेना है, ठीक है। 250 से 300 कम चलेगा लेकिन ज़्यादा नहीं एक दिन में। नेक्स्ट जो है, अनार का जूस पीजिए, पपीता खाइए, सेब संतरा, ये सब जो है एंटीऑक्साइड होता है जो हमारे लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है। और हमेशा जो लोग पानी आप यूज़ कर रहे हैं पीने के लिए, तो गर्म पानी का यूज कीजिए, बहुत इफेक्ट पड़ेगा इसके इसलिए। और सब्जियों में क्या क्या है, गाजर हो गया, पालक हो गया, खीरा हो गया, ये सब यूज कर सकते हैं। दाल में क्या करना है, काला चना का दाल, मसूर दाल, राजमा, सोयाबीन, ये सब यूज कीजिए। अनाज में जौ, मक्का, मल्टीग्रेन आटा यूज कीजिए, जो नॉर्मल आटा है आप यूज मत कीजिए, मल्टीग्रेन का आटा यूज कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। अब आ जाइए, ये तो हम बता दिए कि लीवर के क्या, लीवर में फैटी और सूजन होने का क्या क्या कारण, क्या क्या लक्षण, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या क्या जांच करवाना है, कैसे रोकथाम का उपाय बता दिए। अब आज जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये है आपका योगा और प्राणायाम, कि हम लोग सूजन अगर हमारे शरीर में बढ़ जाता है, स्टिफनेस आ जाता है, फैटी लिवर रहता है, तो कौन कौन से योगा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्राणायाम करेंगे, कौन सा प्राणायाम, अनुलोम विलोम, ठीक है, अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। कैसे करना है, राइट हैंड से राइट नोस्टल को दबाएंगे, लेफ्ट नोस्टल से इनहेल लेंगे, क्लोज करेगी, एक्सहेल राइट साइड, फिर उसी से लेना है, राइट से लेना है, क्लोज करेंगे लेफ्ट साइड। कितना देर करना है, 2 से 5 मिनट तक आपको करना है एवरी डे, 2 से 5 मिनट का, 2-2 मिनट का 3 राउंड कर लीजिए, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा, इसका जो रेशियो है सांस लेने का और एक्सेल करने का 1:2, अगर हम लोग 10 सेकेंड सांस ले रहे हैं तो 20 सेकेंड एक्सेल करेंगे। ये 2-2 मिनट का 3 राउंड आपको करना है एवरी डे। उसके बाद आ जाइए आप सेकेंड प्राणायाम जो है कपालभाति, बहुत इफेक्टिव है, ठीक है। कैसे करना है, इन्हेल लिए आप, इन्हेल नॉर्मल ब्रीदिंग, ठीक है। तो 2-2 मिनट का 3 राउंड, उसके बाद बॉडी में एनर्जी पैदा करता है, गर्माहट उत्पन्न करता है ये। उसके बाद 2-2 मिनट का 3 राउंड होने के बाद में सबसे पहला जो आसन है, अर्ध मत्येंद्र आसन। कैसे करेंगे, दोनों पैर को सीधा कर लेंगे, ठीक है, चलिए दोनों पैर को सीधा कर लेंगे, अर्ध मत्येंद्र आसन, दोनों पैर को सीधा किए। अब क्या करना है, राइट लेग को लेफ्ट साइड ऐसे फोल्ड करें, ठीक है, और जो पैर फोल्ड हुआ है, लेफ्ट वाला पैर फोल्ड हुआ है, लेफ्ट वाला हाथ पीछे जाएगा, और इसको ऐसा करके क्लोज करें, पीछे की ओर फोल्ड करें, यहाँ पे नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगा आपका, ठीक है। इसको फिर चेंज करें दूसरा साइड से, थोड़ा सा पीछे जाना होगा, जाइए आप पीछे, थोड़ा सा जाइए पीछे, जाइए लेग्स को इस योर बॉडी अपोजिट साइड, यस, लुक बैक साइड, डाउन, यस, लाइक दिस, ये हो गया अर्ध मत्येंद्र आसन, गेट, इनहेल, एक्सहेल, ठीक है, ये हो गया अर्ध मत्येंद्र आसन। सेकंड पोस्चर जो है आपका, वो है आपका गौमुख आसन, जिसको हम लोग काउ फेस पोज बोलते हैं, काउ फेस पोज। फर्स्ट देखिए, लेफ्ट लेग फोल्ड किए, राइट लेग फोल्ड करिए इस टाइप से, गेट, दोनों जो है आपका नी जो है एक लाइन में होना चाहिए, ठीक है। फिर इसको पीछे करेंगे, जो पैर ऊपर था उसको नीचे करेंगे, और जो पैर ऊपर था उसको नीचे करेंगे, गौमुख आसन, ठीक है। इस तरह से आप बैठ सकते हैं,
30 सेकेंड तक पांच बार चेंज करेंगे, जो पैर ऊपर वो नीचे, आज नीचे था उसको ऊपर, इस तरह से स्पाइन सीधा रखें, ठीक है, पांच बार मूवमेंट होगा। नेक्स्ट जो आसना है भुजंग आसना, इसको हम लोग कोबरा पोज बोलते हैं, पीठ के बल, चेस्ट के बल लेट जाएंगे, चेस्ट के बल लेट जाएंगे, इसके बाद दोनों हाथ जो है ये आपका चेस्ट के पास रहेगा, इनहेल ट्विस्ट योर बॉडी राइट साइड, एक्सहेल डाउन, इनहेल ट्विस्ट योर बॉडी लेफ्ट साइड, ठीक है, इस तरह से कितना बार करना है आपका, 5 टाइम राइट साइड 5 टाइम लेफ्ट साइड करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो आसना है कैट पोज, कैट पोज भी बोलते हैं, कॉ पोज भी बोलते हैं, तो इसका देख लीजिए आप, ठीक है, इस पोजीशन में नी और एंकल एक लाइन में होना चाहिए, नी और हिप जॉइंट एक लाइन में, रिस्ट और शोल्डर एक लाइन में, ठीक है। इनहेल अप, आर्च बॉडी अप होगा, एक्सहेल हंच योर बॉडी डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, पीछे आइए, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, कितना बार करना है, 6 टाइम, ठीक है। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, मोमेंट करने के बाद में आपको चाइल्ड पोज में बैठ जाना है इस तरह से, ठीक है। उसके बाद जो आसना है नौकासन और धनुरासन, तो सबसे पहले धनुरासन कर लेंगे, धनुरासन दोनों पैर फोल्ड करेंगे, दोनों हाथ पीछे जाएगा, तो उसको पकड़ेंगे, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, कितना बार करना है, 10 टाइम, उसके बाद फिर आपको चाइल्ड पोज में बैठ जाना है, कितना मिनट, 30 सेकेंड टू 1 मिनट रिलैक्स करना है। नेक्स्ट जो आसना है बोट पोज, जिसको हम लोग बोलते हैं नौकाशन, ठीक है, लाइक दिस, बोथ लेग अप, बोथ लेग अप, बोथ हैंड्स अप, एक्सहेल डाउन, 30 सेकेंड का होल्ड रखेंगे, जब होल्ड करेंगे तो ब्रीथिंग जो है नॉर्मल रहेगा, अप, बोथ हैंड अप, लाइक दिस, 1 नॉर्मल ब्रीथिंग, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 होल्ड करेंगे, फिर रिलैक्स, इसका आपको 6-6 सेट करना है, 6 बार, 30 सेकेंड रुकेंगे, उस टाइम जब रुकेंगे तो वहाँ पे नॉर्मल ब्रीथिंग रहेगा, फिर रिलैक्स, उसके बाद फिर रॉकिंग एंड रोलिंग, लाइक एस, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, ठीक है, सिक्स टाइम, ट्विस्ट योर राइट साइड टू लेफ्ट साइड, कम बैक, उसके बाद रॉकिंग एंड रोलिंग करने के बाद में आपको 2-5 मिनट का शवासन का अभ्यास करना है, शवासन का अभ्यास करना है, शवासन का अभ्यास करने के बाद आपको 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करना है, उठ के बैठ जाना है, उठ के बैठ जाने के बाद फिर लास्ट में जो है शीतली प्रणायाम कर लीजिएगा, ठीक है, शीतली प्रणायाम करना है आपको 1 राउंड, उसके बाद फिर आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए, ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, और उसके बाद जो आपको दिनचर्या है दिनचर्या में शामिल हो जाएगी, ये जो है हमारा लीवर के ऊपर में पूरा वीडियो है, आप इसको सही तरीके से पालन कीजिए, जो जो बताए हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कौन कौन सा प्राणायाम है, 2 प्राणायाम है जो बहुत इफेक्टिव होता है, अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, और 5-6 आसना है, इसको 30 सेकेंड का ये करके आपको करना है, ठीक है, 5 का सेट 4 का सेट करना है। आई होप इसको, इस वीडियो को यूज़ करके आपको लाभ मिलेगा, और हमारे चैनल को और जो भी आपके रिलेटिव में
जिनको अभी प्रॉब्लम है लीवर से, उनको शेयर कर दीजिए वीडियो ताकि उनको लाभ मिल सके। नमस्ते, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते, थैंक यू।